हाय दोस्तों, नो योर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल और आज हम बात करने वाले हैं तीन चीजों के बारे में। पहला तो एडिलेड में खेली गई पहले टेस्ट का रिव्यू, दूसरा बॉक्सिंग डे क्रिकेट मैच का इम्पोर्टेंस और तीसरा बॉक्सिंग डे टेस्ट का प्रीव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज के पहले मैच की जो एडिलेड में खेली गई थी। तो पहले दो दिन में हमने देखा कि कैसे इंडिया ने अच्छी बैटिंग और अच्छी बॉलिंग की बदौलत टेस्ट मैच को ऑलमोस्ट अपने काबू में कर लिया था। लेकिन वही थर्ड डे को जहां पर इंडिया को अच्छी बैटिंग करने की ज़रूरत थी, वहां पर ऑस्ट्रेलिया की ज़बरदस्त गेंदबाजी की वजह से इंडिया को जीती हुई मैच गंवानी पड़ी और वही दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया हारी हुई मैच जीत गया। इंडिया को सेकेंड इनिंग्स में अच्छे बैटिंग की ज़रूरत थी और वही इंडिया सिर्फ 36 रन जोड़ पाई 9 विकेट के नुकसान पे। ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा कोलैप्स था। अब दोस्तों, कई लोगों ने इंडिया के इस पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ इंडिया की खराब बैटिंग नहीं लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बहुत बेहतरीन बॉलिंग भी थी। हेजलवुड, कमिंग्स और स्टार्क बहुत ही अच्छे रिदम में थे और इंडिया की बैटिंग अपने थोड़े से पुअर टेक्निक की वजह से वही फंस गई। अब इस चीज़ को ज़्यादा क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, पर्सनल लेवल पे कुछ टेक्निकल चेंजेस ज़रूर कर सकते हैं और आई एम वेरी श्योर कि इंडिया यहाँ से अच्छा कमबैक करेगी। अब बात करते हैं बॉक्सिंग डे के इम्पोर्टेंस की। तो दोस्तों, बॉक्सिंग डे का इम्पोर्टेंस कॉमनवेल्थ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। हिस्ट्री में इसी दिन मास्टर अपने सर्वेंट्स के लिए गिफ्ट बॉक्स रैप करते थे और उन्हें देते थे और ये खुशी वाला दिन माना जाता था। अब क्रिकेट में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो दोस्तों, मेलबर्न विक्टोरिया में ये दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता था और इस दिन हॉलीडे भी होता है, तो इसी दिन का इम्पोर्टेंस ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हर साल एक टेस्ट मैच होता है जिसे हम बॉक्सिंग डे टेस्ट कहते हैं। तो अब बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज के सेकेंड मैच की जो बॉक्सिंग डे टेस्ट होने वाला है और वो खेला जाना है मेलबर्न में। अब दोस्तों, मेलबर्न का पिच बैटिंग के लिए ट्रेडिशनली तो बहुत अच्छा होता है। एडिलेड में जहाँ हमने देखा कि थोड़ा अतिरिक्त बाउंस था, वही मेलबर्न में उसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम बाउंस होता है जो बैट्समैन के लिए इजी होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे इंडिया के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस होंगे। बात करते हैं टीम सिलेक्शन की, तो मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ की जगह पे शुभमन गिल को ज़रूर खेलना चाहिए। पृथ्वी शॉ एक बहुत ही एक्सप्लोसिव प्लेयर है और उन्हें कॉन्फिडेंस ज़रूर देना चाहिए, लेकिन शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया में आकर परफॉर्म किया है और वो उनकी जगह ज़रूर डिजर्व करते हैं। दूसरा, लास्ट ओवर में हमने देखा कि केएल राहुल बहुत ही ज़्यादा खराब फॉर्म में थे जिसकी वजह से वो टेस्ट से ड्रॉप भी हुए, लेकिन इस साल केएल राहुल का फॉर्म बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है इसका यूज़ करना चाहिए, खासकर विराट कोहली की गैर मौजूदगी में। तीसरा, हमने देखा कि मोहम्मद शमी इस सीरीज़ के बाहर जा चुके हैं चोट की वजह से, तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए एक फास्ट बॉलर आएगा और मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज या नवदीप सैनी में से वो कोई एक होगा। अब अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें तो मोहम्मद सिराज को चांस मिल सकता है। और एक चेंज दोस्तों, रिद्धिमान शाह को हमने देखा है कि बहुत ही अच्छी कीपिंग करते हैं, लेकिन ओवरसीज कंडीशंस खासकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक अतिरिक्त बैट्समैन की ज़रूरत भी होती है और हमने देखा है कि ऋषभ पंत ने ऐसे कंडीशंस में परफॉर्म किया है, तो शायद रिद्धिमान शाह की जगह पे ऋषभ पंत हमें देखने को मिल सकते हैं। कैप्टन रहाणे के कंधों पे जिम्मेदारी होगी और मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी वो अच्छी तरह से निभाएंगे। अब ये कंडीशंस को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर इंडिया इस टेस्ट मैच में अच्छा कर पाई तो इस सीरीज में कुछ रंग जरूर आएगा। आपको क्या लगता है जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर। तब तक मैं स्वप्निल आपसे विदा लेता हूँ, जल्द ही मिलेंगे।